जिंदगी और मौत से जूझ रहे राम बिहारी पटेल से मिलने पहुंची पूर्व विधायक प्रत्याशी तमन्ना खातून। क्षेत्र के विधायक और जनता से की अपील मदद करने के लिए। पूर्व विधायक तमन्ना खातून, जिला प्रशासन और जिला स्वास्थ्य विभाग से अपील की किडनी से पीड़ित राम बिहारी पटेल की हर संभव मदद करे। पूर्व विधायक तमन्ना खातून, न्यूज़ 9 टाइम्स भी आग्रह करता है कि किडनी से पीड़ित रोगी राम बिहारी पटेल की आप लोग मदद करें। अपने बेटे की जिंदगी के लिए आंचल फैलाकर भीख मांगती मां देश की जनता से। न्यूज़ 9 टाइम्स, सिकटा से सफ़ीर अहमद के साथ मुसाहिब अहमद की रिपोर्ट। पश्चिमी चंपारण सिकटा प्रखंड अंतर्गत बलथर पंचायत के भावरा गांव में जिंदगी और मौत से जूझ रहे राम बिहारी पटेल से आज उनके घर पर पहुंची पूर्व विधायक तमन्ना खातून ने पहुंचकर उनका हालचाल जाना और बताई कि हर संभव मदद किया जाएगा और हमारी प्रयास जारी रहेगी राम बिहारी पटेल की ज़िंदगी बचाने के लिए। आप सभी क्षेत्रवासियों से मेरा अपील है कि जितनी मदद हो सके इनकी मदद करें। वहीं स्थानीय मुखिया पप्पू सिंह ने उस परिवार के दुख दर्द को सुनते ही पीड़ित परिवार वालों को हर संभव मदद कर रहे हैं और मदद करने के लिए भी आश्वासन दिया और साथ ही साथ अपील भी किया जिला प्रशासन और जिला स्वास्थ्य विभाग से और सभी जनप्रतिनिधियों से कि सहयोग करें जिससे किडनी से पीड़ित रोगी राम बिहारी पटेल की जान बचाई जा सके। न्यूज़ 9 टाइम्स। मैम, जो ये बिहारी पटेल का जो किडनी का प्रॉब्लम है, इसमें आपने पहुंची है जायजा लेने के लिए, क्या इस विषय में क्या कहेंगे आप? ये सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि जैसे ये जैसे खबर मुझे पता चला है, ये सुन के बहुत दुख हुआ है। इतने नौजवान आदमी जो कि अभी ज़िंदगी भी नहीं जिए हैं, अभी इनकी पूरी ज़िंदगी बाकी है और इस बीमारी से ये ग्रसित हो गए हैं, तो हम तो चाहेंगे कि मेरे से जहाँ तक होगा मैं तो इनकी हेल्प करूँगी, इनकी जान बचाने की पूरी कोशिश करूँगी और सबसे अपील भी करूँगी जो भी यहाँ आ रहे हैं इनको मदद करें, इनका हेल्प करें, इनकी जान बचाएं, ताकि इनका भी फ्यूचर बाकी है। इनकी बच्ची एक छोटी सी, अभी उसका फ्यूचर देखना है। जब एक लेडीज पे क्या एक बीतता है ये हम अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए हम सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो भी यहाँ आ रहे हैं इनको जितना हो सके इनको मदद करें और मैं भी इनके लिए मदद करूँगी और मेरे से जहाँ तक होगा मैं करूँगी। मैं बोलूँगी नहीं ज़्यादा, बोलने से किया नहीं जाता है, करके दिखाऊँगी। ठीक है, क्या यहाँ के स्थानीय विधायक से क्या अपील करेंगे? स्थानीय विधायक से तो मैं अपील करूँगी कि वो एक बार आएं, इनसे मिलें और वो जहाँ तक इन कुछ हेल्प चाहिए वो करें और हर चीज़ का व्यवस्था कराएं। ये लोग गरीब हैं, इनके पास कुछ है नहीं, तो हम चाहेंगे कि हर चीज़ इन लोग को व्यवस्था कराएं कि ताकि इनको कोई चीज़ में दिक्कत ना हो, जैसे बेतिया जाने में परेशानी ना हो, इन्हें डायरेक्ट बेतिया पहुंचा दिया जाए, इनका जो भी मतलब आगे का ट्रीटमेंट होता है वो आसानी से करवाया जाए। जी, मैं अपील करूंगी कि जो जिला चिकित्सा जो हैं वो आके एक बार इनसे मिले और इनको जो भी परेशानी है वो दूर करें, ताकि ये बच्चा बस बच जाए और हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। बस एक ये नौजवान युवा है जो आगे इसकी बहुत फ्यूचर है और आके एक बार इनसे मिले और इनकी मदद करें। ये तो मेरे तहे दिल से प्रणाम और सलाम है, क्योंकि उनको तो कोई नहीं भूल सकता है, क्योंकि वो गरीबों के मसीहा हैं, क्योंकि वो गरीबों के लिए ही आए हैं दुनिया में। और उनसे मैं अपील, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप एक मतलब इस बच्चे का जान बचा लीजिए, ताकि आप जितने मतलब आप अभी जिस लेवल में हैं शायद आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आपके आगे हम लोग अभी कुछ नहीं हैं, इसलिए आप एक बार इस बच्चे का मतलब ध्यान रखिए और आगे मतलब जो है आपकी बस आपसे ये रिक्वेस्ट है। मैम, आपका परिचय? जी, मेरा नाम तमन्ना खातून हुआ, मैं इस बार MLA की कैंडिडेट रही हूँ। मैंने सिकटा विधानसभा से लड़ी थी पुलरस पार्टी से, उस पर प्रिया चौधरी की पार्टी थी, जो कि जनता का अच्छा खासा सपोर्ट रहा मेरे ऊपर। अगर मैं जनता के लिए कुछ करूँगी तो जनता मेरे लिए भी करेगी। ओके, चिकित्सा वाला